हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 14 अप्रैल 2019 है और मैं आप सभी को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यूवी कंपटीशन परिवार की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। हांगकॉन्ग्स इक्विटी मार्केट हैज ओवरटेकन जापान टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इन वैल्यू बिहाइंड ओनली द यूएस एंड मेनलैंड चाइना। हांगकॉन्ग्स मार्केट कैप वाज 5.78 ट्रिलियन डॉलर कंपेयर्ड विद 5.76 ट्रिलियन डॉलर फॉर जापान अकॉर्डिंग टू डाटा कंपाइल्ड बाय ब्लूमबर्ग बेस्ड ऑन वेयर प्राइमरी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। केवल अमेरिकी और मुख्य भूमि चीन से पीछे हांगकॉन्ग का इक्विटी बाजार मूल्य में जापान पीछे कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार जापान के लिए 5.76 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में हांगकॉन्ग का मार्केट कैप 5.78 ट्रिलियन डॉलर था, जहां प्राथमिक प्रतिभूतियां सूचीबद्ध है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट जुआनेल मोइज अनाउंस दैट जीन माइकल लेपिन विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती। इट इज फ्रेंच स्पीकिंग कैरिबियन कम्युनिटी कैरिकॉम कंट्री। राष्ट्रपति जुआनेल मोइज ने घोषणा की है कि जीन मिशेल लेपिन हैती के नए प्रधानमंत्री होंगे। यह फ्रेंच भाषी कैरिबियन समुदाय कैरिकॉम देश है। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। तो स्कीम्स ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट उत्कर्ष बांग्ला एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइसिकल टू स्टूडेंट सबूज साथी हैव वन द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIC अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। द उत्कर्ष बांग्ला प्रोजेक्ट एम्स एट क्रिएटिंग ए पुल ऑफ स्किल्ड कैंडिडेट्स हु आर इंडस्ट्री रेडी वाइल अंडर द सबूज साथी स्कीम। Bicycles are distributed to students between class 9th and 12th, studying in government-run and government-aided school and madrasas of the state. कौशल विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की दो योजनाओं उत्कर्ष बांग्ला और छात्रों को साइकिल का वितरण योजना साबूज सथी ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIC पुरस्कार जीता है। उत्कर्ष बांग्ला परियोजना का उद्देश्य उन कुशल उम्मीदवारों के लिए एक मार्ग तैयार करना है जो उद्योग क्षेत्र के लिए तैयार है, जबकि साबूज साथी योजना के तहत 9वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सरकार द्वारा चलित और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और मदरसों में साइकिल वितरित की जाती है। नेक्स्ट, तेलुगु पोइट के शिवा रेड्डी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2018 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री टाइटल्ड पाखी पक्की की ऑट गिली टाइट। द अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ 15 लाख रुपीज ए साइटेशन एंड ए प्लेक। तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को उनके पक्की की ऑट गिली टाइट नामक कविता के संग्रह के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र और एक पट्टी का शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस न्यूज, बिजनेस व्यापार समाचार की।
द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ टाटा टेली सर्विसेज विद भारती एयरटेल लिमिटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट फर्निशेस ए 7200 करोड़ रुपीज बैंक गारंटी. टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा गेव हिज कंडीशनल नॉड फॉर मर्जर. द गारंटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज एंड सम डिफर्ड एयरवेज चार्ज अकॉर्डिंग टू पीपल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट. दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड के साथ टाटा टेली सर्विसेज के विलय को मंजूरी दे दी है. विलय इस शर्त के अधीन हुआ है कि वह 7200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा. दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने विलय के लिए अपनी शर्त रखी. विकास से अवगत लोगों की जानकारी के अनुसार गारंटी वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज OTSC और कुछ आस्थगित एयरवेव शुल्क से संबंधित है. नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति इन ए ब्यूरोक्रेटिक रेस्पल्स. द सेंटर हैज अपॉइंटेड गार्गी कोल एज सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस CJ 9084 बैच ऑफिसर ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज. कोल वाज अर्लियर फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विस इन द डिफेंस मिनिस्ट्री. नौकरशाही फेरबदल में केंद्र ने गार्गी कोल को रक्षा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है. वे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 1984 बैच की अधिकारी है. कोल इससे पहले वित्तीय सलाहकार रक्षा मंत्रालय में सेवा की थी. तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी अन अकेडमी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय. जय भीम, जय भारत.